तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू लेटेस्ट वीडियो लेकर। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप हर एक गन से यानी ऑल गन से हेडशॉट कैसे मार सकते हो। तो मैं सारी गन से हेडशॉट मारने का तरीका मैं आपको बताऊंगा और मैं कैसे हेडशॉट मारता हूँ हर गन से, किसी भी गन से मैं मार लेता हूँ। तो गाइस, मैं आपको वो सेटिंग इसमें बताऊँगा, बहुत ही कमाल की सेटिंग है, जो आप एक बार सेट कर लोगे तो आप भी काफ़ी अच्छे से हेडशॉट मार सकते हो गाइस। ओके, तो गाइज, उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है गाइज। तो गाइज, मैं आपको अब लेकर चलता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं हेडशॉट मारता हूँ। आप किसी भी गन से आप ट्राई करते हो गाइज, आपको हेडशॉट नहीं लगता आपसे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हेडशॉट मार कर दिखाता हूँ गाइज। हर बार नया नया गन से हेडशॉट मार कर दिखाता हूँ गाइज। ओके, जैसा कि मेरे सामने यहाँ पर ऑलरेडी दो बंदे हैं, तो मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ गाइज, देखो। और ये मेरा ट्रिक की वजह से ये हेडशॉट लग रहा है गाइज, देख रहे हो। और यहाँ पे मैंने एक और सामने बंदा और मैंने भी इसको एक और हेडशॉट दे दिया। तो गाइज, मैं क्या सेटिंग किया हूँ मैं आपको यहाँ पे पूरा वीडियो में यहाँ पे क्लियर दिखा दूँगा। और गाइज, यहाँ पे मैंने एकाएक चार बंदों को लगातार हेडशॉट मार के मैंने यहाँ पर क्वाड्रा किल कर लिया। तो गाइज, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी सेटिंग बताऊँगा, जो कि बिल्कुल नया लेटेस्ट सेटिंग है, जो कि आपको अपने फ़ोन में ये सेटिंग कर लेना है। तो आपको सबसे पहले जाना है आपके फ़ोन के सेटिंग में, जो आपका सेंसिटिविटी है, तो वहाँ पे जाना है आपको। अगर हर एक गन से हेडशॉट मारना है तो आपको सेंसिटिविटी, मतलब जो भी आपका है, इसमें चेंज नहीं करना है। आपका जो भी 100-100 है, सबको पूरा 100 करके रखना है। अगर आप किसी एक गन से हेडशॉट मारना चाहते हो, तो मैंने उसके ऑलरेडी वीडियो बना कर रख दिया है कि आप किसी एक गन से चैलेंज करना चाहते हो, तो उससे आपको वो सेटिंग करने पर आपको ज़्यादा हेडशॉट चांस ज़्यादा है लगने का गाइज। ओके, अगर आप हर एक गन से हेडशॉट मारना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सेटिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो गाइज, यहाँ पे जैसा मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसा कि आपका यह फायर बटन है, वो आपको किस पोजीशन में रखना है और किस तरह से आपको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, ताकि आपको आसानी से हेडशॉट लग जाएगा गाइज। ओके, तो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो फायर बटन है उससे उसको आपको ऊपर की तरफ खींचना है, सीधा नहीं खींचना है गाइज, बिल्कुल सीधा आपको खींच के ले जाना नहीं है। जो आपका जो गन स्किन है, गन जहाँ पे ऊपर में रहता है गाइज, आपको खींच के ऊपर के साइड में ले जाना है, थोड़ा हल्का सा नीचे करके आपको ऊपर के साइड में खींच के ले जाना है गाइज। ओके, और यहाँ पे फायर बटन का आपका जो पोजीशन है, बिल्कुल बीच में होना चाहिए, नीचे से आपको बीच में होना चाहिए और गन वाले से भी आपको बीच में होना चाहिए। जैसे मेरा स्पेस दिख रहा है, गन से लेकर आपकी जो फायर बटन उसकी दूरी, और नीचे से जो है जहाँ पे बैठने वाला बटन है, उससे दोनों के बीच का दूरी बिल्कुल सेम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब ड्रैग करोगे तो आपको हेडशॉट है बिल्कुल आसानी से लगेगी गाइज। ओके, तो गाइज, ये था आज का छोटा सा वीडियो, जो कि मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप इस वीडियो में बताइए। अगर गाइज आपको और भी हेडशॉट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है गाइज, जाकर चैनल पर, मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर देख सकते हो गाइज। ओके, तो ये वाली आपको अगर अच्छी लगी वीडियो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को